मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी मेरा सवाल है, ऐप पे 10 सवाल डाले ना, इन डाले ना, मैं तो इंटरनेट पे हूं भी नहीं, मालूम भी नहीं, देखता भी नहीं, ना ट्विटर ना फेसबुक, वो दुनिया में ही नहीं। लोग बोले 10 सवाल आए, मिस्टर मोदी मेरे 10 सवाल है। पहला सवाल, मिस्टर मोदी 15 लाख का जो सूट पहने थे ना, ओबामा आए वक्त मोदी 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 लिखा हुआ था, वो काले धन का था या सफेद धन का था? मिस्टर मोदी, तुम्हारा सूट चेक पेमेंट से बना या कैश से बना? बोलो। मिस्टर मोदी, रोजाना जो कपड़े उतारते पहनते, दिन में 3-3 कपड़े, ये कैश के पेमेंट से बन रहे या चेक पेमेंट से बन रहे? मिस्टर मोदी, मेरा सवाल है, बंगाल में बीजेपी जमीन खरीदी, 7 तारीख के दिन 8 तारीख को आपकी तकरीर हुई, वो चेक से खरीदे कैश से खरीदे? मिस्टर मोदी, आज अखबारात में कल आएगा, आज पता चला बिहार में 6 जमीनात खरीदी बीजेपी, अमित शाह खरीदवाए 8 तारीख से पहले बीजेपी के दफातर बनाने के लिए, ये पैसे काले धन के है वाइट धन के है मोदी? मिस्टर मोदी, उन जमीनात पे दफ्तर बनाने के लिए एडवांस पेमेंट दे दिए, वो काले धन का है या वाइट है, कैश है या चेक है? मिस्टर मोदी, आप गुजरात का इलेक्शन लड़े, चलो मैं तुमको चैलेंज करता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंदिर में तुम आ जाना, मां भारत भगवत गीता को सर पे रख के उस मंदिर के भगवान के सर पर हाथ रख के कसम खा के बोलना कि जिंदगी में तुम काला धन नहीं कमाए, काला धन नहीं खरीदे। मिस्टर मोदी, अभी सवालात खत्म नहीं हुए। मिस्टर मोदी, आप बोल रहे हैं 21,000 करोड़ रुपया आया जनधन अकाउंट में। मिस्टर मोदी, 21,000 जनधन अकाउंट में अब आया, 18,000 करोड़, सुनो मेरे भाई पुलिस वालों, आप भी सुनो जरा, ये नरेंद्र मोदी साहब 2014 के इलेक्शन में 18,000 रुपया खर्च किया भाजपा को इख्तदार में लाने के लिए, 18,000 करोड़, 21,000 जनधन के उसमें, ऐसा करे वैसा करे, 18,000 करोड़ कहां से आए मिस्टर मोदी? चेक से आया, कैश से आया, दूध का धुला ऐसा बता रहे, मैं ऐसा करा, मैं वैसा करा, लोग मुझे मार देंगे। कौन मारेंगे, क्यों मारेंगे? अरे तेरे इस फैसले की वजह से तेरी सियासी मौत यकीनी है, मारने की जरूरत नहीं है। आपको शायद मालूम या नहीं मालूम, जब मिस्टर मोदी चाय बेचते थे ना, जब चाय बेचते थे तो उस वक्त कुछ 3 बरस या 5 बरस, मुझे याद नहीं आ रहा, के लिए सबको छोड़ के वो गायब हो गए। यस, सही है ना? कितने बरस? 3 बरस
चाय की बंडी, चाय की केतली, चाय का चूल्हा, घर दार सब छोड़ के गायब हो गए। कहां गए पूछे तो बोले मैं हिमालया को चले गया। मिस्टर मोदी सामान तैयार कर लो, फिर से हिमालय जाना है, अब जरूर जाना है। काला धन काला धन। चलो आखिरी मेरा सवाल है मिस्टर मोदी, तुम टीवी पर आकर कल बोल देना कि भारतीय जनता पार्टी का जो अकाउंट है उस अकाउंट में हम कैश नहीं लेंगे, सिर्फ चेक लेंगे, तो मैं समझूंगा कि दिया नता। सियासी जमात में कोई भी कैश डाल सकता है, आज भी डाल सकता है, मालूम आपको? गरीब अपने अकाउंट में नहीं डाल सकता, 2.5 लाख डाला तो नोटिस आएगी। बीजेपी के अकाउंट में 2.5 करोड़ भी डाले तो नोटिस नहीं आती। क्या कानून है? ऐलान कर दो ना, हम कैश से नहीं लेंगे, चेक से लेंगे। किसका फायदा हुआ, किसका फायदा हुआ? काला धन काला धन। लिख लो मेरी बात को, लाखों नौकरियां चले जाएंगे, जीडीपी गिर जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगी, क्राइम बढ़ जाएगा, ये पुलिस वालों की ड्यूटी और सख्त हो जाएगी। बेरोजगार है तो क्या करेगा इंसान, बताइए। और फिर टीवी में आते हैं जापान से तकरीर कर रहे तो हंस रहे, यों 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 ऐसा 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 मारते, हंस रहा है हंस रहा है। जापान में हंसी आई, हिंदुस्तान आया तो बोलने लगा मैंने त्याग दिया। किसको त्यागा भाई, बड़ा महल था तेरा, रोल्स रॉयस की गाड़ी थी, बच्चे थे, बीवी थी, कौड़ा रुपये था, क्या था, क्या त्याग दिए? तेरे इस फैसले की वजह से तेरी सियासी मौत यकीनी है, मारने की जरूरत नहीं है। आपको शायद मालूम या नहीं मालूम, जब मिस्टर मोदी चाय बेचते थे ना, जब चाय बेचते थे तो उस वक्त कुछ 3 बरस या 5 बरस मुझे याद नहीं आ रहा के लिए सबको छोड़ के वो गायब हो गए। यस सही है ना, कितने बरस? 3 बरस। 3 बरस चाय की बंडी, चाय की केतली, चाय का चूल्हा, घर दार सब छोड़ के गायब हो गए। कहां गए पूछे तो बोले मैं हिमालय को चले गया। मिस्टर मोदी सामान तैयार कर लो, फिर से हिमालय जाना है, अब जरूर जाना है। काला धन काला धन। चलो आखिरी मेरा सवाल है मिस्टर मोदी, तुम टीवी पर आकर कल बोल देना कि भारतीय जनता पार्टी का जो अकाउंट है उस अकाउंट में हम कैश नहीं लेंगे, सिर्फ चेक लेंगे, तो मैं समझूंगा कि दिया नता। सियासी जमात में कोई भी कैश डाल सकता है, आज भी डाल सकता है, मालूम आपको? गरीब अपने अकाउंट में नहीं डाल सकता, 2.5 लाख डाला तो नोटिस आएगी। बीजेपी के अकाउंट में 2.5 करोड़ भी डाले तो नोटिस नहीं आती। क्या कानून है? ऐलान कर दो ना, हम कैश से नहीं लेंगे, चेक से लेंगे। किसका फायदा हुआ, किसका फायदा हुआ? काला धन काला धन। लिख लो मेरी बात को, लाखों नौकरियां चले जाएंगे,
جی ڈی پی گر جائے گا، بے روزگاری آ جائے گی، کرائم بڑھ جائے گا، یہ پولیس والوں کی ڈیوٹی اور سخت ہو جائے گی. بے روزگار ہے تو کیا کرے گا انسان بتائیے. اور پھر ٹی وی میں آتے ہیں جاپان سے تقریر.